आज थाना छिबरामऊ पुलिस और स्वाट टीम द्वारा दो लूट और दो चोरी की घटनाओं का खुलासा हुआ है। दो अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसमें 26/10/18 को जो एक छिबरामऊ में आलू व्यवसायी के यहाँ से लूट की घटना घटी थी, तो उसमें गिरफ्तारी की गई है। अभियुक्त जो है नादिर शाह है और उस घटना में इसके साथ अजीत, ये किसनी अजीत पुत्र धनपाल, ये कन्नौज का रहने वाला है, और गोविंद पुत्र श्री कृष्ण, ये भी छिबरामऊ का रहने वाला है, ये लोग इसके साथ थे। और आज जो गिरफ्तारी हुई है लाला राम, तो ये बेसिकली चोर है और ये चोरी की घटनाओं में रहा है और बिशुनगढ़ से इसने चोरी की थी, इसमें गैस का चूल्हा और सिलेंडर और उसके बाद सोलर प्लेट्स वगैरह थी, तो वो बरामद हुई इनकी निशानदेही पे। तो इस प्रकार से चार घटनाओं का खुलासा हुआ है, जो दो लूट की घटना है और दो चोरी की घटना है। सर, बरामदगी क्या है? बरामदगी में एक अदद देसी तमंचा है, दो अदद जिंदा कारतूस है, 30,000 रुपये है, दो अदद सोलर प्लेट्स हैं, एक गैस सिलेंडर और गैस भट्टी है, और एक घटना में प्रयुक्त है मोटरसाइकिल 50 डिस्कवर है, जो लूट वाली घटना में प्रयुक्त हुई थी। ये भी चोरी की गाड़ी है, इसको भी फरुखाबाद से चोरी की है। कुछ आपराधिक इतिहास है? हाँ, इन लोगों का आपराधिक इतिहास है। इसमें नादिर जो है उसके खिलाफ तो पहले गैंगस्टर एक्ट भी लग चुका है, तो ये शातिर अपराधी हैं और इनकी गिरफ्तारी से क्षेत्र में लोग राहत लेंगे।